अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुश्ताक मलिक पिछले कुछ दिनों से ये इश्तेहार डाल रहे थे कि बड़े पैमाने पर यानी 28 तारीख को एक रैली निकलेगी, NRC CAA और NPR के खिलाफ ये एहतजाज होगा। कई लोग में बेचैनी भी थी और दूसरी तरफ पुलिस की भी। सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे थे कि किसी को भी पुलिस ने इजाजत नहीं दी, अगर कोई ये रैली में आता है या ये रैली करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि कल यानी हफ्ते के दिन ये 28 तारीख को होने का था, जिसके बाद मुश्ताक मलिक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इजाजत नहीं दी। जिसके बाद वकला ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। इन्होंने सवाल किया कि जहां पर RSS की बड़े पैमाने पर रैली निकलती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और हम पुरमन तरीके से हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें इजाजत नहीं देती। ये कैसा इंसाफ है पुलिस का, और ऊपर से अदालत भी इजाजत नहीं दी। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे इस मुल्क में हमारे हक के लिए हमें इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। ये वो मुल्क है जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ते हुए अपनी जानें दे चुके हैं। आज हमें हमारे इस मुल्क में गैरों की तरह देखा जा रहा है, अभी भी समझने की जरूरत है, वरना आगे चलकर बहुत देर हो जाएगी, तब कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल इस मौके पर मुश्ताकुल्ला खान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद मुश्ताक अली और मीर खान के अलावा दिग्गर वकला मौजूद थे। इमरोज खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। NRC पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिंदुस्तान का करना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान के शहरियों के लिए। आज आसाम में देखिए, टूरिज्म सेंटर में लिस्ट में 14 लाख हिंदू लोग हैं, जो 19 लाख में से 14 लाख हिंदू लोग हैं। ये हमारे सारे सेक्युलर भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम या सिख या ईसाई या हिंदू के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए। ये अपनी जो हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत जो फेल हो चुकी है उसको छुपाने के लिए 370 लाए हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाए, उसके बाद बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाए, उसके बाद रही बात आपके CAB NRC फिर NRC लाए। आखिर करना क्या चाह रहे हैं मोदी और अमित शाह? और मैं जहाँ तक समझता हूँ BJP काफ़ी लीडर भी परेशान हैं इन दोनों से, ये चड्डी गैंग बहुत परेशान करके रखी है हिंदुस्तान को। मैं सारे हिंदुस्तानी शहरियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो रोड पे निकले। अभी हम इतिहाद का मुजाहरा करना चाहिए, अगर हम अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे, अगर अब हम सो जाएंगे तो हमेशा हमें सुला देंगे ये लोग। मैं सलाम करता हूँ हिंदू बहनों का जो दिल्ली में, UP में और अहमदाबाद में, गुजरात में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। उनके जज्बे को देख के आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे कोई भाई जो हैदराबाद में है और दीगर तेलंगाना में है, आंध्रा में, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। मैं KCR से ही पूछना चाह रहा हूँ, तुम ये चड्डी गैंग के आदमी हो या तुम फिर हमारे, हम जो वोट डाल के आपको कामयाब करें आप हमारे हैं। और रही बात, अगर आप KCR अगर जल्द से जल्द अनाउंस नहीं करेंगे, जैसा 9 स्टेट्स अनाउंस करें कि NRC और CAB हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, आप भी अनाउंस कर दीजिए। क्या अमित शाह मोदी से पूछ के आप करना चाह रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ KCR KTR से बाहर निकलिए, बाहर निकल के जैसे झूठे वादे कर रहे हैं आप जीते जग से, अभी भी झूठा वादा कर दीजिए कम से कम निकल के। हमको मालूम है, कम से कम शाम के वक्त निकल के एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि NRC CAB हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे स्टेट में। और रही बात, हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है हैदराबाद में, क्यों? रिसेंटली LB नगर पे हम देखे, 2 दिन पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने हिंदुस्तानी शहरी, हम हिंदुस्तानी शहरी नहीं है। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से और ख़ासतौर हैदराबाद के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, निकलिए पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, कोई गड़बड़ मत करिए, पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस भी हमारा साथ देंगे। और रही पुलिस वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए आप के सारे मुल्क में जो है एहतजाज का जो जोर चल रहा है कि हमारी बखा दस्तूर के लिहाज से और जमहूरियत के लिहाज से हमारी बखा कैसे हो, ये एहतजाज ना सिर्फ मुसलमान कर रहा है बल्कि इसके साथ हिंदू भाइयों का भी साथ है, सिखों का भी साथ है, क्रिश्चियंस का भी साथ है, दलित है और पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, और ये कामयाब तौर पर सारे मुल्क में हो रहा है। हमारे शहर हैदराबाद में इसको जो है हमारे कंप्लेंट के ऊपर, हमारे जो है एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करने के ऊपर, रिजेक्ट करने के ऊपर जो है हम इसका जो है हाई कोर्ट में रिट दायर किए हैं, फाइल करे हैं, उसकी आज सुनवाई थी
और उस सुनवाई के ऊपर जो है जज जो है एडजर्न किया है मैटर, वो जो है 14 नंबर कोर्ट पे जो है एडजर्न करके ट्यूजडे के लिए डाला है। और उसके अंदर जज का ये ऑब्जर्वेशन था कि भाई आप लोग फिर से जो है एप्लीकेशन दियो, फिर उसके वेल इन एडवांस मेरे पास आओ, फिर उसके बाद हम जो है कुछ इसके अंदर जो है ऑर्डर पास कर सके। तो जो है जैसे जो है आरएसएस को ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दिया 26 तारीख को, और वो लोग जो है लाठियों के साथ अपनी जो है अपनी रैली को कायम किया हैदराबाद एलबी नगर के, और जो हमको जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट हमको इजाज़त नहीं दी, इसके पीछे क्या है? तो इसके लिए जो है कोशिश और जद्दोजहद बाकी रखे हैं, और जमहूरी लिहाज से और जो है हमारे दस्तूर को बाकी रखने के लिए हम ये जद्दोजहद बराबर बाकी रखेंगे।